अब मैं जिनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, बड़े ही सुरीले गायक हैं, बड़ा ही मजा आता है उनकी आवाज को सुन के। फिल्म शिवाय में भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर कैलाश खेर। कैलाश भाई कैसे हैं आप? राम राम जी कैसे हैं आप? बढ़िया। हेलो सर, आइए जी, प्लीज सर विराजमान हो जाइए यहाँ। अच्छा भाई, जब मिथुन नए नए इंडस्ट्री में आए थे ना, जब नए नए गाने हिट होने शुरू हुए, तब मुझे पता चला कि मिथुन नाम से एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आए हैं और बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं। पर आज भी जब कभी आपका कोई नाम ले, बताए ना कि म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं या कौन से वाले मिथुन, तो कभी लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती कि मिथुन दा आने वाले हैं? कभी आप किसी फंक्शन में बैठे हों और लोग मिथुन चक्रवर्ती साहब को ढूंढ रहे हो, ऐसा हुआ नहीं आपके साथ? ये तकलीफ मुझे स्कूल में हुआ करती थी। अच्छा, अब इतनी नहीं होती। तो मतलब अब काम सॉर्टेड है सारा। तो स्कूल में क्या तकलीफ होती थी? मतलब लोग चिढ़ाते थे मुझे। चिढ़ाते थे क्यों? मिथुन दा तो इतने अच्छे एक्टर, चिढ़ाते क्यों थे? तो मुझे कहते थे कि वो उस टाइप करके दिखाओ। जैसे मुझे लोग बोलते थे कपिल है तो बॉलिंग करके बताओ, मैं कहा नहीं आती मेरे को। अच्छा ये, हाँ एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मिथुन, मैंने सुना आपने कोई मलेशियन फिल्म का भी म्यूजिक दिया है। जी। तो आपको मलेशियन लैंग्वेज आती है क्या? खाली करेंसी समझ में आ गई थी आपको, 5 का 100? करेंसी भी समझ में नहीं आई थी। करेंसी भी समझ में नहीं आई, नुकसान करके आ गया मैं वहां। एक सबसे बड़ी तकलीफ वहां पर थी कि मलेशियन भाषा में जी लव को, लव का जो वर्ड है उसका नाम है चिंता। ओ, तो वो लोग सच बोल रहे हैं। भाषा के ऊपर मैं भी एक बात बताता हूँ। दिल्ली के हैं हम, जब बॉम्बे आए तो बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिले। झाड़, वृक्ष को झाड़ कहते हैं। हाँ। ठीक है, और उसमें भी बताने का तरीका भी फिर ऐसा होता है, इनका भाई साहब ये गोल्डन बीच सोसाइटी जानी है जुहू में, तो ये किस तरफ है? उधर से एक झाड़ गिरेगा। भाई मैं क्यों जाऊंगा उधर? अगर वहां तुझे पता है कि झाड़ गिरेगा तो मैं तो कभी ना जाऊं उधर से। इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई खड़ा होकर आपको लपड़िया देगा अभी। और वैसा भी हमारे भैया को कोई चोरी नहीं किया है, हमारा भैया का किडनैपिंग हुआ है। किडनैपिंग? हाँ हाँ, जानते हैं, इसीलिए तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं हम। इंस्पेक्टर नहीं होता है, इंस्पेक्टर होता है। तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं तो इंस्पेक्टर होगा, उन इंस्पेक्टर के पास जाएंगे तो उन इंस्पेक्टर होगा, क्या बात कर रहे हैं? सिंगम जी नमस्ते। नमस्ते। हमारे जो हस्बैंड है ना, बिल्कुल हाफ हाफ सिंगम है आपकी तरह, वो भी ऐसा ऐसा करते हैं पता है ऐसा। अरे वो कहा है, हमारे भैया का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि हाथ में गेंद दिया है और बोले हैं गेंद को ऐसा ऐसा दबाते रहिए। अभी ससुरा गेंद पता नहीं कहाँ खो गया है, बिना गेंद के ऐसा ऐसा करते रहते हैं। इधर देख मिथुन जी बैठा है। हाँ, हम देखे हैं। आप तो जवान होता जा रहा है दिन ब दिन, अब करके बताइए ना, ये क्या बात, अब करके बताइए। मैंने कहा था आपसे कपिल, शुरुआत में यही प्रॉब्लम थी। तो वो वाला मिथुन नहीं है, ये मिथुन शर्मा है, ये गाने बनाते हैं। जैसे हमारे पास कपिल शर्मा है जो बातें बनाते हैं। जैसा अच्छा गाना बनाते हैं, और उससे ही हमारा हस्बैंड को भी बहुत शौक है गाना का। अच्छा। बहुत गाना, हमको शादी से पहले गजल गजल कहते थे। तुम्हें गजल कैसे कहते थे? हमारे भैया इनके लिए कोई गाना नहीं बनाया, हमारे भैया इनको खाली बेवकूफ बनाए हैं बस। खैर कैसे हैं? किसको पूछ रही है? खैर बता तो, किसको पूछ रही है? तो खैर जी से पूछ रहे हैं, बैठे हैं हमारी आंखों के सामने। आप घबराइए मत, हम आपके लिए ना गोंद लेकर आए हैं।
ना आपका परिंदा टूट गया ना, हम उसके लिए गोंद लेकर आए हैं, आप बड़े आराम से उसको जोड़ लीजिए, फिर आप दूसरा गाना भी बदल के गा सकते हैं। कैलाश जी, ये एक्चुअली मैं आपको बताया नहीं, ये जो इस तरफ वाली है संतोष है, अच्छा सर, और इधर वाली जो है ये पेरेंट्स का दोष ही है। अरे मेरे घर, लोगों के घर में दिवाली में लक्ष्मी आती, मेरे साड़ी पहन के उल्लू आ गए, क्यों आ गए तुम लोग? अरे उल्लू से याद आया, हमारा देवर किडनैप हो गया। अरे बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको तो। अरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किडनैप नहीं हुए, वो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा ना, इसने कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल दिया होगा। कैसे बात कर रहे हैं, हमारे भैया कोई कूड़ा नहीं है जो डस्टबिन में डाल देंगे, बहुत ही खूबसूरत आदमी है वो, ए देखिए फूल सा चेहरा है उनका, देखिए फूल सा चेहरा नहीं, मुंह पे फूलों का सहरा पहना हुआ है। पागल मान रहे तुम लोग, कैसे किडनैप हुआ था इसका? क्या हुआ कि हम घर पे बैठे थे, घंटी बजा टिंग टिंग, दरवाजा खोला तो सामने का आदमी ने चिट्ठी दिया, चिट्ठी पढ़ा लिखा, आदरणीय भौजी जी इज्जत दिया, हम आपका देवर को किडनैप कर रहा है, 2000 रुपया दो लेके जाओ, ऐसा किया तो जाके छुड़ा लो उसको। पागल है क्या, 2000 रुपया दे के उसको छुड़ाएंगे? 2000 रुपया में नया कूलर लेंगे, ठंडी हवा देगा, किडनैप होने का भी खतरा नहीं है। अच्छा जी, अब सब आपके ऊपर है, या तो आप हमारे भैया को वापस ले आइए या फिर 2000 रुपया दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। 2000 रुपये का कूलर मैं नहीं ले लूं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.